हेलो गाइड्स, ऑपरेट्स में आपका स्वागत। दोस्तों कैसे दोस्तों, आज का तो बहुत अच्छा अच्छे रहोगे। तो अगर चलते थे फ्री डिस्क का जो रिसीवर है यानी सेटअप है फ्री डिस्क का, तो गाइड्स ये रिपेयरिंग होने के लिए आया मेरे पास। इसका प्रॉब्लम डेथ पोजीशन में है इसका। तो गाइड्स देखते हैं इसका आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ है, इसको खोलेंगे और रिपेयरिंग करके आपके सामने जो कुछ होगा। तो प्लीज़ गाइड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर जरूर रहिए। तो मैं देखिए सेट पर लाइन दे रहा हूँ। लाइन देने के बाद अब क्या हो रहा है, तो लाइन देने के बाद अब देखिए कोई भी देखिए रेस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। कोई भी एलईडी नहीं गुल हो रहा है, यानी देखिए मैं स्विच को ऑन ऑफ कर रहा हूँ या फिर पावर का स्विच, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है गाइड्स, इसमें लाइन ही नहीं आ रहा है। तो गाइड्स इसको देखेंगे आखिर इसका प्रॉब्लम क्या हुआ जो इसका लाइन नहीं आ रहा है, यानी पावर रेडी नहीं है। तो गाइड्स पहले इसको जिसका जो स्क्रू है स्क्रू को मैं खोल लेता हूँ और उसके बाद दिखाते हैं आपको कि इसका प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो वैसे इसमें ज़्यादा स्क्रूप नहीं है, बस दो चार स्क्रूप है, बस खोल जाएगा। क्योंकि जो वारंटी का जो स्टिकर था वहाँ पे स्टिकर थे, स्टिकर के नीचे जो एक स्क्रूप था। तो गाइड्स प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते हैं वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ गाइड्स कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट करेंगे आप तब मेरे को पता चलेगा कि आपको आप वीडियो देख रहे हैं कितना मनोयोग से वीडियो देख रहे हैं, और प्लीज़ आप क्या कर रहे हैं वीडियो में, क्या चाहते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा हुआ ये सब जानकारी के लिए प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो स्टिकर है स्टिकर को उठाना पड़ेगा। तो मैं काट कर दूंगा लाइन से लंबा करके, एक ही बात है खोल जाएगा इसे आसानी से। तो देख लो गाइस आखिर जो सेट था हमारा वो ओपन हो चुके हैं, यानी मैं तो स्क्रूप इसका सारे खोल दिया, अब सेट को मैं ओपन कर लिया। तो आप देख सकते हैं इसका इंटरनल सर्किट कैसा है, बस एक यानी जिसको मदर बोर्ड बोलते हैं वो बोर्ड है, यानी वीडियो बोर्ड और एक जो है पावर बोर्ड, ठीक है। तो गाइड्स इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसमें पावर डेथ है पूरा, तो इसके लिए जो फर्स्ट टाइम है यानी जो रिसीवर यानी वीडियो बोर्ड का कनेक्शन मदर बोर्ड यानी पावर बोर्ड से हटा दूंगा, ठीक है। बोर्ड मेन जो वीडियो बोर्ड का वायर है, देखिए केबल को मैं खोल दिया, ठीक है। अब इसके जो सारे जो केबल हैं इस सारे केबल को खोल दूंगा और देखूंगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसमें लाइन क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं देखिए बोर्ड को अलग कर दूंगा पीसीबी से, इसका जो पावर बोर्ड है। ओके गाइड्स, तो मैं अलग कर देता हूँ। क्योंकि नीचे पे कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो ये शॉर्ट हो सकता है, तो मैं नीचे कुछ दे देता हूँ ताकि ये शॉर्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका जो मेन कैपेसिटर है यानी 450 वोल्ट का 450 वोल्ट का जो मेन कैपेसिटर यानी पावर बोर्ड में है वो चार्ज पकड़ रहा है, ठीक है, उसमें चार्ज हो रहा है। क्योंकि अगर बोर्ड सही रहेगा तो हमारा चार्ज नहीं होगा, यानी यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर इनपुट लाइन यानी एसी लाइन इनपुट हो रहा है, क्योंकि एसी लाइन अगर इनपुट नहीं होगा तो कॉन्डेंसर पर चार्ज नहीं पकड़ेगा। अब जो मेन कॉन्डेंसर है उसमें चार्ज पकड़ रहा है, यानी एसी लाइन तो इनपुट हो रहा है, कुछ अलग गड़बड़ है इसका। तो वही दिखा रहे हैं गाइड्स आपको। तो मल्टीमीटर को मैं ले लिया, अब इसका वोल्टेज मेजर करेंगे और दिखाते हैं क्या होता है।
इसके लिए मैं 600 के रेंज पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और आप देखिए, आपको वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ जो कॉर्नर सेल पे, 650 वोल्ट कॉर्नर सेल रहेगा वहाँ पे। आप देखिए 315 तक वोल्ट आ रहा है, 350 तक वोल्ट सही आ रहा है, ठीक है, 350 तो नहीं आ रहा है, 315 वोल्ट तक आ रहा है। ये देख लीजिए आप, अच्छा से आपको दिखा रहे हैं। तो गाइड्स यहाँ पे इनपुट नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी इनपुट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इनपुट हो रहा है। अब क्या हो रहा है गाइड्स, यहाँ से एक रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पे इनपुट होगा एक लाइन। तो गाइड्स यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए। तो गाइड्स पावर सेक्शन में अगर फॉल्ट रहेगा हमारा, तो जो कॉन्डेंसर है वो चार्ज पकड़ेगा। अगर चार्ज पकड़ेगा तो इधर कोई कुछ ज़्यादा सामान नहीं है, आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ डायोड है यहाँ पे, 4 पीस डायोड होगा, और पीएफ और रेजिस्टेंस, और जो हमारा एक कंट्रोलर आईसी है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइड्स क्या होता है, आखिर जो हमारा आईसी अगर ओपन हो जाएगा, जो कंट्रोलर आईसी है यहाँ पे, तो ये आईसी अगर ओपन हो जाएगा, देखिए आप पहले आपको दिखाते हैं इस आईसी को, जो 8 पिन का आईसी, मेमोरी आईसी, मेमोरी जैसे लग रहा है देखिए। तो ये जो आईसी है, ये आईसी ख़राब हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो 300 वोल्ट है आईसी पे नहीं आ रहा है, और आईसी जो हमारा शॉर्ट हो चुके हैं, इसलिए चार्ज पकड़ रहे हैं कॉन्डेंसर पे। तो गाइड्स आपको बोल दें कि यहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं है, कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ पीएफ है, और डायोड है। अगर डायोड चेक करेंगे आप, डायोड चेक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज पकड़ रहा है, 350 वोल्ट चार्ज हो रहा है, यानी जो आखिर जो हमारा जो कंट्रोलर आईसी यहाँ पे लगा है, वो आईसी हमारा ख़राब है। ओके, तो आपको आईसी दिखा रहा हूँ, आईसी का नंबर दिखाता हूँ, और आईसी को मैं चेंज करूँगा, और देखता हूँ आखिर प्रॉब्लम हमारा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, आपको बार बार दिखा रहे हैं। तो आप आईसी का नंबर देख लीजिए कितना है, बस अगर आप CRDTV का काम करते हो तो आपको पता चलेगा कि CRDTV का जो मेमोरी होता है, ऐसे ही इसका आईसी दिया है अभी, ठीक है। तो ये जो ये मेमोरी नहीं है, ये अलग आईसी है। तो देखिए गाइड्स, पावर सिस्टम में कुछ ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं है, बस डायोड है। तो मैं देखिए वो जो आईसी था उसको मैं लगा दिया, अब केबल को जोड़ दूँगा इसका, जो मेन बोर्ड का है, यानी वीडियो बोर्ड का। आप क्या करूँगा, यहाँ से जो डायोड से एक बड़ा वोल्ट तक जा रहा था बोर्ड में, वो उसको झाल यहाँ पे सोल्डर कर देंगे। ओके गाइड्स, तो मैं सोल्डर कर दिया इसको, और अब आपको दिखाते हैं कि इसका जो आईसी है, इसको चेंज करके क्या होता है, इसके सही हुआ या फिर नहीं। तो गाइड्स देख लीजिए, आखिर जो हमारा प्रॉब्लम था बिल्कुल सही हो चुकी है, यानी आईसी जो हमारा कंट्रोलर आईसी जो पावर बोर्ड में लगा था, वो आईसी ख़राब था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साफ साफ जो LED है वो ग्लो हो रहा है, और चैनल का नंबर भी लिखा है। तो मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ, देखिए ऑफ कर दिया मैं, ऑफ हो गया, और ऑन कर रहा हूँ तो ऑन हो गया। तो प्लीज़ गाइड देखते रहे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।